चक दे टीवी मैं हाँ कमलदीप कौर। पंजाब हरियाणा ते केंद्र सरकार इन्हां नूं नहीं पता कि मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे एस वायल गीत ते पाबंदी किसने लगाई। अजे तक इन्हां प्रशासन नूं नहीं पता लग्या कि पाबंदी किधरों लगी है। इस गल का खुलासा महाराष्ट्र के एक प्रशंसक अमृतपाल सिंह खालसा की RTI राही होया। उसने गीत ते पाबंदी लाने लई तिन्ना सरकारां नूं पिछपे शिकायत भेजी, उसकी कापी भी मंगी। तिन्ना सरकारां ने कहा कि उन्हां कोल अजिही कोई जानकारी नहीं है। ये गीत मूसेवाले दे कतल तो करीब एक महीने बाद रिलीज़ होया। दरअसल मीडिया रिपोर्टा मुताबक अमृतपाल सिंह खालसा ने एस वायल ते पाबंदी लगाउण दा कारण जानण लई सूचना ते प्रसारण केंद्र ते पंजाब ते हरियाणा दे गृह मंत्रालय तो जानकारी मंगी सी। इन्हां चों पंजाब ते हरियाणा दे गृह मंत्रालय दे सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दा कहना है कि उन्हां कोल इस संबंधी कोई जानकारी नहीं है। ते केंद्र गृह मंत्रालय ने इस नूं अपने अंदरूनी विभाग विंग नूं भेज दिता। हुण उन्हां दा भी जवाब आ गया, उन्हां कोल इस संबंधी भी कोई जानकारी नहीं है। उन्हां भी यही गल कही है। तुहानूं दस दईए कि मूसेवाले दा एस वायल गीत 23 जून नूं रिलीज़ होया, जिस च सतलुज यमुना लिंक नहर संयुक्त पंजाब 1984 बारे किसान अंदोलन दौरान आदि अजिहे मुद्दे गाने च सामने लिआंदे गए। इस गीत नूं 3 दिनां च 2.77 करोड़ व्यूज़ मिल चुके सन। इस तों बाद अचानक इस ते पाबंदी लगा दित्ती गई। यूट्यूब ते सुनेहा मिलिया कि यह गीत भारत च उपलब्ध हुण नहीं है, यानी कि भारत च ही इस नूं बैन किया गया। तो जद RTI वालों जो सूत्रा के हवाले तो सामने आया कि जद RTI वालों पुछया गया, यानी कि यह सवाल किया गया सरकारां नूं कि अजिहा क्यों होया, किसने पाबंदी लगाई, तो क्यों पाबंदी लगाई गई, अजिहा की सी, तो तीनों सरकारां ने तीनों प्रशासन ने इस ते यह जवाब दिता कि उन्हां कोल इस बारे कोई जानकारी नहीं है। होर इस तरह की अपडेट लई बने रहो चक दे टीवी दे नाल।